हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से वेलकम करता हूँ। मैं आया था इधर गेट ऑफ इंडिया, आप देखो आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये ताज होटल है और ये नया ताज होटल है, इसी के बाजू में ही बना हुआ है। पब्लिक देख रहे हो, यहाँ पर ना एलिफेंटा का लाइन लगा रहता था एलिफेंटा जाने के लिए। ओ वैसे मेरे ख्याल से बंद है, जा रही पब्लिक क्या? हाँ जा रही, एक मिनट ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इधर बोट वगैरह है, यहाँ से जाती है एलिफेंटा, लेकिन अभी तो एलिफेंटा नहीं जाएगी, खाली बोट है। अभी राउंड मार के खाली आते हैं, मतलब राउंड बोले तो उतने दूर राउंड मारेंगे, उसके बाद वहाँ से रिटर्न आएंगे। यह है गेट ऑफ इंडिया। अभी तो पब्लिक मेरे हिसाब से कमी है, शाम होगी तो और आएंगे। सब पत्थर का ही बना हुआ है। ये अभी तो यहाँ पब्लिक कम देख रहे हो आप लोग, शाम के टाइम और होती है पब्लिक। भाई ये व्यू देख रहे हो आप, लाइन से ही समनाओ खड़ी है पूरी, और उसके उस बड़ी बड़ी जहाजें भी हैं। अरे भाई ठीक है सर, ये जहाज देख रहे बनाया है बना। भाई मस्त है। आप लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये देखो वो बोट जा रही है उधर, ये वीडियो मेरे को लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। वो उधर आप देख रहे हो कितनी बड़ी है भाई, कितनी बड़ी जहाज है, वहाँ पर सही से नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत दूर है,
बहुत दूर है, बहुत दूर है वो। अभी यहाँ से देख रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब ये है कि समुद्र के किनारे से दूर दूर बड़ी बड़ी बोटें रहती हैं। भाई मैंने पता लगाया सिंगल नहीं जाने दे रहे, मतलब कैसे राउंड है ना। तो हो सकेगा तो हम वहाँ भी चलेंगे देखने के लिए। भाई यही है मुंबई के गेट ऑफ इंडिया। तो हेलो गाइस, यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं यार ये वीडियो कैसा लगा आपको। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे से दिखाने के लिए, आप वीडियो पूरा देखें। मैं उधर जाके दिखा सकता हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लेट हो जाएगा जाने के लिए। ये पुराना वाला ताजमहल है, ताजमहल बोल रहा हूँ यार, ताज होटल है और ये नया बना है उसके बाजू में, और इसके जस्ट सामने ही अपना गेट ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू सो मच यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, वीडियो इतना मेहनत से बनाया, थैंक यू सो मच।